नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं मनीष असवाल आपके अपने चाहते और देश दुनिया के बढ़ते हुए एजुकेशन प्लेटफॉर्म एम स्टडी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जितने लोग यहां पर लाइव बन चुके हैं, फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे धुआंधार तरीके से। आज की क्लास बहुत ही जानदार और शानदार होने वाले हैं। बिल्कुल सभी के सामने आ चुका हूँ, उमेद जी, सोहिल खान, प्रियंका सुतार, सुमन, रमेश, सोनू, जी आर जाटवा, उमेद, सोहिल खान, सामरा जाट, एम जी ब्रदर, बिल्कुल बाबा आ गए हैं, हकीम सिंह, प्रियंका पटेल, कुलदीप मीणा, मीणा मस्ती, करमजीत चाहल, सतीश जी, पायल सैनी, हीरालाल, देवेंद्र तनु और किंग ऑफ धौलपुर, पूनम वैष्णव, सेडूराम बाला, नेहा फौजदार, महेंद्र, डीजे डीजे, सोहिल, रवीना, विनीता, प्रियंका, एसआर, ललिता और कौन है भैया, मानक डगला, बहुत बढ़िया, सभी का स्वागत है ना। धुआंधार तरीके से आपके अपने चहेते और देश दुनिया के बढ़ते हुए एजुकेशन प्लेटफॉर्म एम स्टडी पर मैं मनीष असवाल आपको लेकर चलता हूँ रीजनिंग की दुनिया में, जहां पर हमारा टॉपिक चल रहा है कोडिंग डिकोडिंग, यानी कि कूट वाचन कूट लेखन, जिसका आज थर्ड पार्ट है, तीसरा पार्ट है। और अब तक हम दो पार्ट पढ़ चुके हैं, दोनों पार्ट्स के जो क्वेश्चन है वो आपने कर लिए हैं। इसके साथ साथ आज अपन तीसरे पार्ट में स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले मोटिवेशनल कोटेशन के साथ में शुरुआत करेंगे, इसके बाद क्लास में आकर स्टार्ट करते हैं। सभी का स्वागत है, जितने मेरे प्यारे विद्यार्थी बन चुके हैं फटाफट एक बार वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके और ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सके। चलिए, सभी का स्वागत है। हाँ जी बाबा, आपने मुझे मोटिवेट किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। कुलदीप मीणा, थैंक यू सो मच, स्वागत है। मकोड़ा, बहुत बढ़िया भैया, राम राम, सभी का स्वागत है। हाँ, आपकी क्लास का बहुत वेट करना पड़ता है। सौम्या राजपूत, भटकती आत्मा, बहुत बढ़िया भाई। चलिए आज के मोटिवेशनल कोटेशन देखते हैं। तो कोटेशन नंबर 1 गगन सरदारनी का है, और गगन सरदारनी क्या लिखती है, गगन सरदारनी लिखती है कि उड़ान तो भरनी है चाहे कई बार गिरना पड़े, उड़ान तो भरनी है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। गगन सरदारनी ने ऐसा लिखा है, थैंक यू सो मच बेटा, स्वागत है आपका। हाँ जी, विनेश शर्मा कह रहे हैं कि सर ये खत्म कब होगा, तो बेटा अगर मैं बीच में टॉपिक खत्म कर दूं कोई मतलब वाली बात नहीं है, है ना, तो टॉपिक चलता रहेगा धीरे धीरे। हाँ जी किरण चौधरी, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल आपकी बात सही है, बिल्कुल प्रैक्टिस करवाते रहेंगे इसी प्रकार से। चलिए अगले पाठ पे आते हैं, और अगला भेजा है वर्षा बिश्नोई ने, अगला कोटेशन वर्षा बिश्नोई ने भेजा है, क्या लिखा है कि राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो नीर कहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो नीर कहां तक जाएगा, उठो और धन खींच धनुष की डोर, निशाना साध अपनी मंजिल का, उठो और खींच धनुष की डोर, निशाना साध अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा, तीर कहां तक जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चे वर्षा बिश्नोई, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से अपने मोस्ट जो इंपॉर्टेंट कमेंट्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्स हैं, जो आपकी क्लास तक पहुंचाते रहें और इसी तरीके से कार्यक्रम को अंजाम देते रहें। चलिए क्लास को शुरुआत करता हूं, और आज की जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने लिखता हूं, जवाब आप लोग देंगे, एक बार थम्सअप करके बता दीजिए सारे लोग रेडी हैं आज के इस पहले क्वेश्चन के लिए। बहुत बढ़िया महिष्मी क्या कह रही है, माही सिम्मी चौधरी कि सर आ जाओ चाय पी लो, बिल्कुल बेटा चाय पी जाएगी, बाबा मेरी मन की बात समझ गए, बिल्कुल बिल्कुल, मास्टर देखा लेकिन तुमसा नहीं देखा, लव यू सो मच भाई, जिसने भी लिखा, पिंटू ने लिखा, थैंक यू सो मच। शिक्षा की नगरी कोटा से राम राम, सभी का स्वागत है। जल्दी से एक बार थम्सअप कर दीजिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए आने वाला है। सर आज आपका मोटिवेशन शानदार जानदार धमाकेदार, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। आज 11 बजे तुम लोगों से मुखातिब हुआ था, आप सभी लोगों से, है ना, तो वो सारी चीजें आपके लिए ही थी, केवल आप लोगों के मोटिवेट करने के लिए हम लोग आते हैं, बीच बीच में सेशन लाते रहते हैं। तो आज का क्वेश्चन है कि यदि, आज का क्वेश्चन है यदि कैमल, CAMEL, यदि कैमल को लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है बच्चों, कैमल को लिखा जाता है सबसे पहले तो यहाँ पर सी, इसके बाद देखेंगे जी, इसके बाद आपका आ गया एस, है ना, और यहाँ पर हो गया टी, और इसके बाद हो गया ओ, तो आप बताएंगे कैमल को ये लिखा जाता है तो एच ओ आर एस ई, हॉर्स को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, कैमल को सी जी एस टी ओ लिखा जाता है तो हॉर्स को क्या लिखा जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, जल्दी से आंसर करेंगे सारे बच्चे, यू ओनली गेट द क्लियर डन, दैट्स वाई सर देर आर मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट हियर, आर यू सर, थैंक यू सो मच बेटा विजय कुमावत। हाँ जी बहुत बढ़िया मकोड़ा, तू कुछ भी कह सकता है भाई, जल्दी से आंसर करेंगे फटाफट। हाँ जी सर आप इंजीनियर हो क्या, बिल्कुल भैया बिल्कुल, हाँ
आप जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। सर मेरा नाम, बिल्कुल आपका ही नाम है सामने, बहुत बढ़िया। हाँ जी, फटाफट आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का कि कैमल को CGSTO लिखा जाए तो हॉर्स को क्या लिखा जाएगा। जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने लोग लाइव बने हुए हैं, ठीक है, धुआंधार तरीके से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। चलिए यहां पर अपन बात करते हैं कि कैमल को किस तरीके से लिखा हुआ है और इसके बाद हॉर्स को कैसा लिखा जाएगा। हाँ जी, क्यूट गुजरी, आई एम न्यू स्टूडेंट, सभी का स्वागत है। जितने भी नए लोग बने हैं आपके अपने एम स्टडी परिवार में, सभी का स्वागत करता हूँ, है ना। सर मैंने 11 बजे वाली क्लास नहीं किसी कारणवश, और मैंने आपकी और सीएल सर की लाइव रिकॉर्डेड देखा, तो आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया, हम सभी का धन्यवाद चेतना, थैंक यू सो मच बेटा। चलिए फटाफट आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया, चलिए आंसर करते रहे, फटाफट आंसर करेंगे। गगन माई फेवरेट सर, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग सीएल सर, थैंक यू सो मच। सीएल सर आ चुके हैं, एक बार गुड इवनिंग विश कर दीजिए, और सीएल सर की बात को थोड़ा सीरियसली ले लें कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए यहां पर आते हैं कैमल, देखिए प्यारे बच्चों, CAMEL कैमल को लिख रहा है CGST और O, ठीक है। तो अब देखिए हमें क्या लिखना है, HORSE हॉर्स को हमें लिखना है। सबसे पहला काम क्या करना है, देखो सी का विपरीत अक्षर देखना है, एक्स कहीं पर भी नहीं है, सी का विपरीत अक्षर एक्स होता है जो कहीं पर भी नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसके नंबर लिखेंगे, तो सी का नंबर 3, ए का नंबर 1, M का नंबर 13, E का नंबर आपका कौन सा है 5, और L का नंबर कौन सा है 12। चलिए यहां पर नंबर लिख दीजिए 3, इसके बाद 7, यहां पर आपका 19, यहां पर आपका 20 हो गया, और इधर बात करें तो आपका 15 हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। ये इसके क्रमांक होते हैं, अक्षरों के क्रमांक, C तीसरा अक्षर, A पहला, A M 13वां, और E 5वां, और L 12वां। सबसे पहले देखेंगे तो 3 से 3 कैसे लिख सकते हैं, प्लस का 0 करके, यहां पर 1 से 7 प्लस का 6 करके, 13 से 19 की बात करेंगे प्लस का 6, 5 से 20 की बात करेंगे प्लस के 15। तो ऐसी कोई संख्या जोड़ी जा सकती है क्या, नहीं जोड़ी जा सकती, क्योंकि जोड़ने और घटाने के लिए प्यारे बच्चों, जोड़ने और घटाने के लिए आपको 7 प्रकार की संख्याएं बताइए, कितने प्रकार की प्यारे बच्चों, 7 प्रकार की। तो 7 प्रकार की संख्याएं जोड़ी और घटाई जा सकती है। तो पहला तरीका आपका गलत हो गया सीधी कोडिंग के आधार पर, तो दूसरा कोडिंग होता है आपका विपरीत कोडिंग, यानी कि पीछे से लिखना। तो पीछे से लिखने पर आ जाओ, पीछे से लिखने पर आओगे तो 12 माइनस कितने करने पड़ेंगे 9, 12 माइनस 9 करेंगे तो 3 आएगा, 5 में प्लस का 2 कर देंगे तो 7 आएगा, 13 में अपन प्लस के 6, तो 9 2 6, ऐसी कोई संख्या आ रही है। ये संख्या भी मैंने नहीं बताई थी आपको, क्योंकि केवल 7 ही प्रकार की संख्या जोड़ी और घटाई जा सकती है। तो दूसरा तरीका भी आपका गलत हो चुका है, सीधी कोडिंग भी गलत है, विपरीत कोडिंग भी गलत है। तो तीसरा तरीका कौन सा है, तीसरा है आपका क्रॉस कोडिंग, यानी कि आपस में बीच में क्रॉस बनेगा। तो क्रॉस कोडिंग देखिए, 1 से 3 प्लस के 2, 3 से 7 प्लस के 4, यहाँ पर 13 से प्लस के 6 बन रहे हैं, 13 और 6 19, यहाँ पर 12 से देखेंगे तो प्लस के 8 20, यहाँ पर 5 से देखेंगे तो प्लस के 10 15। तो 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, ऐसी संख्या जोड़ी जा सकती है। ये 7 प्रकार की संख्याओं में एक प्रकार की संख्या है जिसका नाम है सम संख्याएं। तो सम संख्याएं जोड़ी गई है, सम संख्याएं हम जोड़ देंगे। किस तरीके से लिखा है, आगे के 2 को क्रॉस में, पीछे के 2 को क्रॉस में, और बीच वाले को बीच में ही लिखा जाएगा, क्लियर है। तो सबसे पहले यहां पर आते हैं, इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, और यहां पर आपका नंबर कितना है ध्यान से देखेंगे, H का नंबर 8 होता है, O 15 पे आता है, R आपका 18 पे आता है, इसके बाद आपका S 19 पे आता है, और E की बात करें तो 5 नंबर पे आता है। क्या करना है, सबसे पहले 2 को क्रॉस में लिखेंगे, इन 2 को क्रॉस में लिखेंगे, इसको सीधे लिखेंगे, फिर इन 2 को क्रॉस में लिखेंगे, यहाँ पे 2 जोड़ना है, यहाँ 4 जोड़ना है, यहाँ 6 जोड़ना है, यहाँ 8 जोड़ना है, और लास्ट में 10 जोड़ना है, क्लियर है बच्चों। तो सबसे पहले देखो 15 और 2 17, और 17वां अक्षर होता है क्यू, यहाँ पर 8 और 4 12, और 12वां अक्षर होता है एल, यहाँ 18 और 6 कितना हुआ 24, और 24वां अक्षर होता है एक्स, यहाँ 5 और 8 13, और 13वां अक्षर होता है एम, और 19 और 10 29, 19 और 10 कितना हुआ 29, अक्षर तो टोटल 26 ही होते हैं, 27वां आपका वापस से ए आ जाता है, 28वां बी होता है, 29वां आपका सी होगा, 29वां आपका कौन सा होगा बेटा सी होगा। तो यहाँ पर जो आपका अक्षर बनेगा, जो आपका कोड बनेगा प्यारे बच्चों, वो क्या बनेगा, QLXMC,
QLX MC इज द राइट आंसर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए धुआंधार तरीके से, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से चलते रहेंगे, क्वेश्चन समझ में आ चुका है तो जल्दी से एक बार थम्स अप करके बताएंगे, ठीक है बच्चों, यहां तक की चीजें क्लियर है। हाँ, अरे पुखराम गोदारा हेयर कट करवाए, काफी टाइम हो गया। चलिए, सभी का स्वागत है भाई। रोहित कुमार जी, आज मेरा जन्मदिन नहीं है। मोनिका शर्मा, आपकी फैन लाइव आ चुकी है, थैंक यू, स्वागत है बेटा। हाँ जी, बहुत बढ़िया, QLX MC लिखा जाएगा, QLX MC लिखा जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिए। महेंद्र नेकड़ी जी कह रहे हैं कि समझ में नहीं आया। प्यारे बच्चों, लिखने के चार तरीके थे, आप पिछली दोनों क्लासेस देख सकते हैं महेंद्र जी, पिछली दोनों क्लासेस में आपको क्लियरली किया गया है कि लिखने के चार तरीके हैं। पहली सीधी कोडिंग में, दूसरा विपरीत कोडिंग में, तीसरा क्रॉस में, और चौथा विशेष यानी तोड़कर लिखा जाता है। यहां पर सबसे पहली बात कि अगर विपरीत अक्षर मिल जाता है तो एज इट इज आप विपरीत अक्षर का आंसर करेंगे, लेकिन अगर विपरीत अक्षर नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में योग और घटाव का नियम लगता है। उस कंडीशन में क्या लगता है? योग और घटाव का नियम। क्योंकि सी का विपरीत अक्षर एक्स होता है जो कि मूल शब्द में नहीं दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? योग और घटाव वाले नियम से सॉल्व करेंगे। योग और घटाव वाले नियम से हमने देखा, सबसे पहले सीधी कोडिंग लगा के देखी, वहां पर संख्याएं उल्टी सीधी चल रही थी, कुछ भी जोड़ा जा रहा था, तो जो कि गलत है, क्योंकि जोड़ी और घटाई जाने वाली संख्याएं सात होती है। कौन कौन सी होती है? क्रमागत संख्या, इसके बाद में निश्चित संख्या, निश्चित संख्या यानी कि शुरू से लेकर लास्ट तक फिक्स कर दी जाती है। तीसरे प्रकार की संख्या सम होती है, चौथे प्रकार की विषम होती है, पांचवी आपकी भाज्य, छठी अभाज्य, और सातवीं पुनरावर्ती संख्या यानी जिसको बार बार रिपीट किया जाता है। यहां पर जब हमने सारी चीजें लगाकर देखी, सीधी कोडिंग में नहीं बैठा, विपरीत कोडिंग में नहीं बैठा, क्रॉस से हमें आइडिया मिला, क्रॉस से हमें आइडिया मिला कि 2, 4, 6, 8 और 10, लेकिन क्रॉस तो सबके क्रॉस होता, लेकिन यहां पर आगे के दो के क्रॉस है, पीछे के दो के क्रॉस है, बीच वाले को बीच में लिखा है, तो भैया ये क्या करता है? इसको तोड़कर लिखता है। क्या करता है? तोड़कर लिखता है कि आगे के दो क्रॉस में, पीछे के दो क्रॉस में, और बीच वाले को बीच में। अब क्लियर हो चुका होगा, फटाफट एक बार बता दीजिए, थम्स अप कर दीजिए। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर आपका बर्थडे क्या है? अरे मेरे बच्चों, बर्थडे मेरा अभी नहीं आता है, बर्थडे आता है मेरा 22 अक्टूबर, है ना, 22 अक्टूबर को मेरा जन्मदिन आता है, पहले नहीं आता है। एक ही बार पैदा हुआ था, मैं साल में कोई 2-3 बार पैदा नहीं होता हूं, ठीक है। चलिए, क्लियर हो चुका है, एक बार थम्स अप कर दीजिएगा। बहुत बढ़िया सर जी, बीच में पानी पी लेना, गर्मी बहुत है बेटा, बिल्कुल गला सूख रहा है मेरा, थैंक यू सो मच याद दिलाने के लिए। बाबा जाने मन की बात, शिवराम निषाद जी स्वागत है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके ऊपर आ रहा है और आप करेंगे इस क्वेश्चन को कि यदि रोज को TQUG लिखें तो उसी भाषा में फिश को क्या लिखा जाएगा? जल्दी से आप आंसर करेंगे सारे बच्चे, ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट आंसर करिए। हाँ जी, राधे राधे शिवराम निषाद जी, हाँ जी, आपकी क्लास बहुत अच्छी, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। हाँ, किंग ऑफ धौलपुर का 23 अक्टूबर को है, बहुत बढ़िया भाई। हाँ जी, टॉपिक की एक ही क्लास है क्या? बिल्कुल रितिका चौधरी, मैट्रिक्स वाले टॉपिक की एक ही क्लास है, क्योंकि मैट्रिक्स टॉपिक इजी था, उसमें केवल आपको पंक्तियां और कॉलम ही देखना पड़ता है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, फटाफट आंसर करो सर, पुरानी क्लास पर भंडारा कर दो, बिल्कुल करेंगे बेटा, भटकती आत्मा एडवांस में कह रहे हैं। हाँ जी, थैंक यू अनु शर्मा, थैंक यू बेटा, बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर करिए, डी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं बहुत सारे विद्यार्थी। हाँ, नेहा फौजदार कह रही कि सर पहले ये बताओ कि आप लेट क्यों आते हैं? बेटा मेरे बच्चे, मेरी ध्यान से बात समझिएगा, एक क्लास जब छूटती है तो दूसरी क्लास को लेने में, एक क्लास छूटी दूसरी क्लास लगेगी, तो उसके बीच में टेक्निकल चीजें भी सेट करनी पड़ती है, क्लास को लाना भी पड़ता है, बाकी सारी चीजें जो बैक एंड पे होती है, जिसके लिए टेक्निकल टीम काम करती है पर्टिकुलरली, वो काम जरूरी है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, है ना, तो थोड़ा सा इंतजार कर लिया करो बच्चों, इंतजार करोगे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा कर लिया करो, मेरे लिए क्या करो, आप मेरे से प्रेम करते हो तो मेरे लिए क्या करो इंतजार। देखो, ROSE यहां पर रोज को लिख रहा है, क्या लिख रहा है कि TQ और UG हमें पूछा है कि हम फिश को क्या लिखेंगे, FISH। देखिए बच्चों, यहां पर सबसे पहले R का विपरीत अक्षर होता है I, कहीं पर भी नहीं है, तो विपरीत अक्षर का फंडा नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा सर? प्लस माइनस का। R का नंबर 18, O का नंबर 15, S का नंबर 19, E का नंबर कितना है 5, यहाँ E का नंबर 20,
क्यू का नंबर 17, यू का नंबर 21, जी का नंबर 7। तो कहीं ना कहीं बात क्लियर हो चुकी है कि यहां पर क्या कर रहा है, 18+2 20 कर दिया, 15+2 17 कर दिया, 19+2 21 कर दिया, 5+2 7 कर दिया, यानी शुरू से लेकर लास्ट तक दो जोड़ता जा रहा है, तो हम भी जोड़ देंगे 6, 9, 19 और 8। 6 में कितना जोड़ना है बच्चों, 2 जोड़ेंगे, 8वां अक्षर आपका H आ गया। I में कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, 11वां अक्षर आपका K आ गया। S में कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, तो 21वां अक्षर आपका U आ गया। इसके बाद H में 2 जोड़ दो, 8 और 2 10, 10वां अक्षर आपका J आ गया। कहने का तात्पर्य आपका कहीं ना कहीं आंसर बन रहा है H K U J। क्या बन रहा है बच्चों, H K U J कहां पर दिखाई दे रहा है भाई, डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो इसको टिक करेंगे और उड़ा देंगे क्वेश्चन को सेकंड्स में। क्लियर हो चुका है, एक बार थम्स अप कर दीजिएगा। डीजे आप बहुत अच्छे लग रहे हो, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच बेटा। रिवीजन करवाऊंगा, एक बार टॉपिक्स कंप्लीट होने दीजिएगा, डेफिनेटली रिवीजन करवाऊंगा बिल्कुल। हाँ जी, क्लास में बहुत बच्चे तो पढ़ने नहीं आते, बात करने आते, नया फौजदार कह रही है। हाँ जी सर, आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच। चलिए आंसर करेंगे फटाफट, क्लियर हो चुका है थम्स अप कर दीजिए, है ना। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कबूतर भी है हमारे पास, मकोड़ा भी है हमारे पास, और एक आता एक मैंने देखा भाग मकोड़ा है ना, ऐसा भी कुछ था, एक एक ऐसा बना हुआ था भाग मकोड़ा। देखो बच्चों ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये वाला टाइप हमारा क्लियर हो चुका है प्लस माइनस वाला। अब ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, पहल और अर्थ का कोड दे रखा है, पर्ल का कोड पूछा है। तो इससे पहले मैं आपको बेसिक चीजें बताना चाह रहा हूँ, और बेसिक चीजें क्या बताऊंगा बच्चों, देखो क्वेश्चन इस तरीके का है, क्वेश्चन इस तरीके का है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेसिक क्वेश्चन आपको बता दूं सबसे पहले कि इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या होता है। सबसे पहले टाइप सेकंड, टाइप सेकंड का नाम आप टाइप थर्ड सॉरी बच्चों टाइप थर्ड, क्योंकि टाइप सेकंड में हमने देखा योग और घटाव, टाइप थर्ड में अपन क्या देखेंगे। तो टाइप थर्ड क्या कहता है कि जब जब दो शब्दों, जब दो शब्दों के कोड दिए जाएं, कोड दिए जाएं, तो तथा तथा तीसरे शब्द का कोड पूछे, तथा तीसरे शब्द का कोड पूछे, शब्द का कोड पूछे। तो ध्यान से समझिएगा, दो शब्दों को कोड देकर तीसरे शब्द का कोड पूछेगा, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों, कि ध्यान दें, ध्यान दें कि पूछा गया शब्द, पूछा गया तीसरा शब्द, तीसरा शब्द पूछा गया, तीसरा शब्द क्या दिए गए, क्या दिए गए दोनों शब्दों, दिए गए दोनों शब्दों के अक्षरों के द्वारा, के अक्षरों के द्वारा बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, और यदि ऐसा है, और यदि ऐसा है, यदि ऐसा है, तो दोनों शब्दों के कोड के द्वारा, दोनों शब्दों के कोड के द्वारा तीसरे शब्द का, तीसरे शब्द का कोड बनाया जाता है, तीसरे शब्द का कोड बनाया जाता है। ध्यान से समझिएगा बच्चों, यहां पर यह पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब दो शब्दों के कोड देकर आपको तीसरे शब्द का कोड पूछेगा, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। सबसे पहले ध्यान दें कि पूछा गया तीसरा शब्द, यानी जिस शब्द का कोड पूछ रहा है, वो शब्द क्या दिए गए दोनों शब्दों के अक्षरों के द्वारा बनाया जा सकता है, यानी कि जो दो शब्द दिए गए उनके अक्षरों का प्रयोग करके कहीं ना कहीं बनाया जा सकता है। अगर ऐसा है, और अगर ऐसा है बनाया जा सकता है, तो दोनों शब्दों के कोड के द्वारा तीसरे शब्द का कोड बनाया जाता है। हाँ जी प्यारे बच्चों, कॉपी पेस्ट ना करें,
लवकुश जाटव, जय भीम बेटा, स्वागत है आपका। कॉपी पेस्ट कोई नहीं करेगा, देखो है ना। चलिए प्यारे बच्चों फटाफट देखिए एक बार। बाड़मेर की पावन दराज से चुन्नी लाल का प्रणाम, स्वागत है बेटा चुन्नी लाल भील जी, स्वागत है आपका। चलिए फटाफट एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए, जय बाबा की, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। लाइव काउंट कम चल रहा है, 300 क्रॉस पहुंचाने की बात होती है, तो 300 क्रॉस पहुंचा दीजिए फटाफट। और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए धुआंधार तरीके से, है ना। चलिए इसका आंसर तो अपन करेंगे, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, यहीं से इसका कार्यक्रम सफल हो जाएगा। ले लिया होगा आपने। राधे कृष्णा भाई, स्वागत है आप सभी का, बहुत बढ़िया। नाजनुराम पुनर जी कह रहे हैं कि सर आपकी राइटिंग खराब है, कृपया शुद्ध लिखें। कोई बात नहीं बेटा, हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन सिंपल सी बात मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं एक एक शब्द को बोलता हूँ, है ना। तो जब मैं बोलता हूँ तो उसको सुनकर लिख लीजिए, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। थोड़ा सा आप भी लगाएंगे दिमाग। हाँ फटाफट देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो था वो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, सबसे पहले मैं लिखना चाहूंगा इस शब्द को कि पी ए एल ई, पैल लिखा हुआ है, इसका कोड दे रखा है 2134 दे रखा है। इसके बाद आपको दे रखा है ई ए आर टी एच, अर्थ दे रखा है और अर्थ का कोड दे रखा है 41, इसके बाद 590, ये आपका कोड दिया हुआ है। और पूछा किसका है, पूछा है आपको पी ई ए आर एल, पर्ल का कोड पूछा है। देखिए बच्चों करना क्या है, सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या ये जो तीसरा शब्द है, ये वाला जो शब्द, क्या ये शब्द इन दोनों के से, इससे और इससे बनाया जा सकता है क्या। तो देखिए P यहां पर है, E यहां पर है, A भी है, R इधर से ले लो, L इधर से ले लो, तो बनाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, तो दोनों के द्वारा बनाया जा सकता है। तो देखो प्यारे बच्चों यहां पर क्या है, यहां पर दे रखा है पी का कोड 2, है ना, ए का कोड 1, तो ए का कोड 1, ए का कोड 1, टेली भी कर सकते हैं आप, आपको कॉमन मिल जाएगा तो टेली कर लीजिए। एल का कोड 3, ई का कोड 4, तो ई का कोड 4 मिल रहा है, टेली मिल रहा है, ई का 4, ए का 1 मिल रहा है। आर का कोड 5 हो गया, टी का कोड 9 हो गया, एच का कोड 0 हो गया, तो सिंपल सा इन्हीं कोड का यूज करेंगे। तो P का कोड क्या हो गया, 2 हो गया प्यारे बच्चों, E का कोड क्या है, 4 हो गया है, A का कोड क्या है, 1 है, और R का कोड क्या है बेटा, 5 है, और L का कोड अगर मैं बात करूं तो L का कोड कितना है, 3 है। वापस से देखिए, P का कोड 2, E का कोड 4, A का कोड 1, और R का कोड आपका 5 है, और L का कोड आपका कितना है, 3 है। तो आपका कहीं ना कहीं इसका कोड बनकर सामने आता है 24153, कितना बेटा 24153। आंसर कहाँ है आपका, बी ऑप्शन में है। ऑप्शन कहाँ है बेटा, बी ऑप्शन, बहुत बढ़िया भाई, क्लियर हो चुका है। सर मैं छोरी, बहुत बढ़िया, स्वागत है छोरी रॉक स्टार, स्वागत है बेटा, क्लियर हो चुका है। हाँ जी गेट नोटिफाइड, बिल्कुल संतोष कुमार, जरूर बेटा टेलीग्राम चैनल पर जाकर एक बार मुझे मैसेज कर दिएगा, डेफिनेटली आपकी इस बात को सुनी जाएगी, है ना। तो यहाँ पर पल का कोड क्या हो गया, 24153। हमने क्या करना है, इन दोनों शब्दों को देखना है, इन दोनों शब्दों से अगर ये तीसरा शब्द बन रहा है तो इन दोनों के ही कोड यूज कर रहे हैं, कुछ नहीं करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, क्लियर है। हाँ जी कॉमन न मिले तो कैसे करेंगे, बेटा कॉमन नहीं मिलेगा तो भी इन दोनों से बन रहा है तो किया जाएगा, ध्यान से समझ। अगर प्यारे बच्चों इन दोनों के द्वारा ये तीसरा बन रहा है तो कॉमन नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट सीधे सीधे कोड लेकर कर लीजिएगा, है ना, बहुत बढ़िया। लोकेश जी आज मेरा बर्थडे है, आपको आशीर्वाद की जरूरत है, आशीर्वाद सदैव बना हुआ है। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थम्स अप जरूर करेंगे, है ना। वीडियो को उड़ा दीजिए, थोड़ा सा शेयर करेंगे, थोड़ा सा जोर लगा दीजिए एक बार, क्योंकि 300 क्रॉस का आंकड़ा पहुंचाना है, है ना। चलिए फटाफट आंसर करेंगे, क्लियर हो चुका है। और जितने लोग नए जुड़े हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली सारी क्लासेज के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। मौज कर दी, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ लिखने का टाइम दो बेटा, लिखने का टाइम देता हूँ, स्क्रीनशॉट का टाइम देता हूँ, पर्टिकुलरली एक एक चीज क्लियर करता हूँ। हाँ हर लाइन लिखती हूँ, थैंक यू सो मच सर अनु शर्मा, थैंक यू बेटा, हर एक लाइन लिखते हैं आप। हाँ जी बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अब आप जवाब देंगे। देखो मुझसे नहीं होगा बेटा, अब तुम करोगे, मेरे हो गए पैरों में दर्द, क्योंकि मैंने सिखा दी भाई, बच्चों को दे दी भभूति, और भभूति जब मिल चुकी है बाबा की तो अब तो आंसर आपका बनता है, ठीक है बच्चों। तो भभूति आपके पास, आंसर आप करेंगे कि रोज को लिखा जाता है,
यहाँ पर किसको लिखा जाता है, आर ओ एस ई रोज को लिखा जाता है, हैज 438 लिखा जाता है। यहाँ पर बोला गया कि एफ आई आर एस टी फर्स्ट को लिखा जाता है 5, इसके बाद ये स्टार, स्टार के बाद हैज, और इसके बाद आपको दे रखा है 3 और 7। आपसे पूछा गया कि इसी कोड में एस टी ओ आर ई स्टोर को क्या लिखेंगे, जल्दी से आंसर करेंगे सारे विद्यार्थी फटाफट, कॉमनली देखकर देखिए क्या इससे बनाया जा सकता है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, चिंटू सैनी कह रहे हैं कि सर दिल से थैंक यू आपको, जुग जुग जियो मेरे सर जी, थैंक यू सो मच। हाँ सर, आई रियली लाइक योर वे ऑफ टीचिंग सर, आई गेट किल्ड वेरी वेल, देयर इज समथिंग मोर फन देन रीडिंग द टॉपिक, थैंक यू सो मच विजय कुमार, थैंक यू सो मच योर मोस्ट प्रीशियस कॉमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो। शिक्षा के क्षेत्र में जागरूक करने वाले गुरुजी, राम राम, राम राम भाई, राम राम। बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर कर दीजिए कौन सा आ रहा है। प्यारे बच्चों ने आंसर कर दिया है, क्वेश्चन को उड़ा दिया है, सी ऑप्शन के साथ जा रही है जनता भाई, सी ऑप्शन के साथ जा रही। देखो इसका इसका मतलब है कि ये है बबूती का असर, जो और कोई नहीं देता है, मैं ही देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके बाबा की बबूती का असर है जो आप आंसर कर रहे हैं। हाँ जी, जल्दी से आंसर करेंगे फटाफट, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं बेटा, अगर ऑप्शन गलत है तो उसके आधार पर भी देखेंगे क्या दिक्कत आ गई। कोई दिक्कत नहीं, टाइपिंग वाली हो सकती है, मिस्टेक हो तो अपन चेक कर लेते हैं ना क्या दिक्कत है। देखो आर का स्टार है, इधर आर का स्टार है, इधर की बात करें ओ का 4 है, एस का यहाँ 3 है, यहाँ पर भी एस का 3 है, ई का यहाँ पर 8 है, एफ का यहाँ पर 5 है, आई का स्टार है, टी का आपका 7 है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले एस का कोड 3 हो गया, टी का कोड आपका 7 हो गया, इसके बाद अगर मैं देखना चाहूँ एस का कोड 3, टी का कोड 7, ओ का कोड अगर देखना चाहूँ तो 4 है, आर का कोड अगर मैं देखना चाहूँ तो आपका हैज है, आर का कोड क्या है, हैज है, और प्यारे बच्चों ई का कोड आपका क्या है, 8 है। तो आपका कोड हो गया 374 हैज 8, 374 हैज 8, 374 हैज और 8, ठीक है। बहुत बढ़िया बच्चों, तो ये जो डॉलर का साइन है वही 8 है, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ गलती हुई है, बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पर ये डॉलर है ना, इसको 8 में कन्वर्ट कर दो, डॉलर जहां जहां भी है उसको 8 में कन्वर्ट कर दो, तो यहाँ ये 8 ही समझा जाएगा, ठीक है। अब बताओ अब कौन सा सही है लाडलो, अब आपका सी ऑप्शन सही है, कौन सा सही है बच्चों, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है, सभी को समझ में आ रही है भाई मेरी बात, क्लियर हो चुकी है, जल्दी से बताइए। डॉलर नहीं आएगा, बिल्कुल 8 आएगा, बहुत बढ़िया, सही बात है बच्चों, सी ऑप्शन आपका क्लियर हो गया, बाबा की बबूती को मजोच है, बहुत बढ़िया सांवरा जाट, जल्दी से भाई क्लियर हो चुका है, थम्स अप कर दीजिए। गगन कह रही कि सर आज हैप्पी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, है ना, बहुत बढ़िया। एम स्टडी ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर शिक्षकों का मार्गदर्शन होता है और क्या है। हाँ जी, चलो आपने तो गोली दे दी, बहुत बढ़िया। अरविंद धौलपुर, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू बेटा, नए स्टूडेंट है, स्वागत है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो ले लो बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट ले लीजिए, अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये कह रहा है कि बोल्ड को किसी क्यूट भाषा में DRPI लिखा जाता है तो गर्ल को क्या लिखा जाएगा, है ना। तो ये चीजें जो अब तक टाइप पढ़ चुके हैं उसी पर डिपेंडेंट है ना, तो चलने दो। देखो क्वेश्चन कौन से टाइप का है, तीन टाइप आप पढ़ चुके हो, तीन में से कौन से टाइप का है। चलिए भैया नेहा फौजदार, हम तो आपको देखकर ही एपी हो जाते हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, फटाफट आंसर करेंगे। हाँ सर, मैंने आज तक ऐसा रीजनिंग का टीचर नहीं देखा, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर जी, मैं 2 बार देखती हूँ आपकी क्लास। चिंटू बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू मितांशु, 11 बजे वाली क्लास बहुत अच्छी थी, थैंक यू बेटा, मजा आ गया सर जी, कोमल अलवरिया, थैंक यू बेटा, आना भी चाहिए। देखिए नीरज खुशवाहा, स्वागत है बेटा आपका, जवाब नहीं, नया सिखावा, थैंक यू बेटे। टेलीग्राम आईडी बेटा इस नाम से सेव कर लो, सर्च कर लो ना, मनीष असवाल, है ना, आराम से सब जगह पर एक ही है। बहुत बढ़िया आंसर करेंगे, आपकी बबूती तो हमारे लिए दवाई साबित हो गई और जिसे रोज लेना जरूरी हो गया, बहुत बढ़िया। सुनील बिश्नोई, राम राम बेटा। हाँ जी नानू राम पुनर्जी, राम राम। चलिए आंसर करेंगे, कुछ लोग ए दे रहे हैं तो कुछ बी दे रहे हैं, अर्निका का ए है ना, और ममता विकास बी, कनिष्का बी,
पूजा ए के लिए कह रही है, कुसुम बी के लिए कह रही है, वो जो पूजी है वो ए के लिए, प्रतिभा बी, ये छोरियां ही जवाब दे रही है। बलवंत का भी आ गया, आ गया भाई बलवंत आया, बलवंत राय के कुत्ते आ गया बलवंत। चलिए बच्चे स्वागत है सुनील, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ जी आंसर करो भाई, देखो छोरे छोरियों लाडो और लाडियों, क्लियर है सीधी सी बात, लाडू और लाडियों। चलने दो, देखो बाबूडाओं बाबूडियों और सीधी सीधी बाबा के भक्तों, आंसर करो फटाफट। देखो बच्चों क्या क्वेश्चन था कि बी ओ एल डी, बहुत प्यार से लिखा हुआ क्वेश्चन, डी आर पी आई लिखा गया। चलिए भाई कोई बात नहीं, तो हम बात कर लें जी आई आर एल, गर्ल को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या हो सकता है, सबसे पहले बी का विपरीत अक्षर ढूंढे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि बी का विपरीत अक्षर वाई होता है, बी का विपरीत अक्षर वाई, तो बी का नंबर होता है 2, ओ का नंबर होता है 15, एल का नंबर होता है 12, डी का नंबर होता है 4। यहाँ पर देखेंगे तो ये हो गया 4 नंबर, ये हो गया 18 नंबर, ये आपका 16 नंबर, ये हो गया 9 नंबर। तो प्यारे बच्चों यहां से देखो, 2 और 2 4, 15 और 3 18, 12 और 4 16, 4 और 5 9, तो 2 3 4 5 लगातार संख्याएं जोड़ रहा है, क्रमागत संख्याएं जोड़ रहा है, तो जोड़ सकता है, आराम से जोड़ सकता है। यहाँ पर लिखो जी का क्रमांक 7, आई 9 और आर कितना 18, एल का नंबर कितना है बेटा 12। चलिए भाई सबसे पहले प्लस 2 कर देंगे तो 9वां अक्षर आई आ जाएगा, इसके बाद प्लस 3 कर देंगे तो 12वां अक्षर आपका एल आ जाएगा, इसके बाद 4 जोड़ दीजिए 18 और 4 22वां अक्षर वी आ जाएगा, इसके बाद 5 जोड़ दीजिए तो 12 और 5 17वां अक्षर आपका क्यू आ जाएगा। आपका आंसर हो गया आई लव वी क्यू, आई एल वी क्यू, ठीक है, आई एल वी क्यू। आई एल वी क्यू कहीं पर दिखाई दे रहा है क्या भाई, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, चमचमाता हुआ ऑप्शन बी के बारे में कह रहा है, ठीक है, बी फॉर बाबा, है ना, बाबा का आंसर यहाँ पर बी आ चुका है, प्लस 2 3 और 4 5, बिल्कुल अंतर होगा सर, बिल्कुल पूजा बेटा यही आंसर है। हाँ जी चलिए आंसर कर दीजिए, समझ में आ चुका है थम्सअप कर दीजिए बेटा, ये काम आपको करना है, समझ आ जाए क्वेश्चन थम्सअप कर दो, क्लियर, सबसे पहला काम। हेमंत साहू जी स्वागत है बेटा, है ना, देखो बहुत सारे बच्चों का नाम नहीं ले पाता हूं मैं, है ना, बहुत सारे बच्चों का नाम नहीं ले पाता हूं। हाँ कॉपी पेस्ट करने वालों अब की बार उड़ा दूंगा अगर कॉपी पेस्ट नहीं आएंगे तो। हाँ बाबा कौन है, अरे बेटा बाबा तो मैं ही हूं और कौन है, डीजे डीजे, है ना, कोई बात नहीं, जो लेट आए हैं सभी का स्वागत है, बहुत बढ़िया बच्चों क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, जवाब देंगे आप लोग, जवाब आपको देना है, माइंड को ये लिखा जाता है, आर्ग्यू को ये लिखा जाता है, तो डायग्राम को क्या लिखा जाएगा, चलिए बच्चों फटाफट आंसर करेंगे, है ना, माइंड को ये, आर्ग्यू को ये, तो डायग्राम को क्या, है ना, मजा तो इसी में आएगा। हाँ जी बहुत बढ़िया, लाइव 300 होने वाले हैं तो फटाफट कर दो, है ना, चैटिंग फाटिंग ध्यान मत दो, देखो चैटिंग और सेटिंग फिलहाल छोड़ दो, क्वेश्चन की सेटिंग पे ध्यान दे लो, है ना, बहुत बढ़िया आंसर करिए फटाफट, चलिए फटाफट आंसर कर दीजिए भाई, जल्दी से आंसर करेंगे। नेक्स्ट आप थोड़ी बहुत बढ़िया फटाफट आंसर करेंगे, चलिए भाई क्लियर कर दीजिए फटाफट, बहुत बढ़िया। राधे राधे काजल, आंसर करेंगे बच्चों माइंड को लिख रहा है, देखो भाई क्या लिख रहा है, एम आई एन डी माइंड, माइंड को क्या लिख रहा है, के जी एल बी, के जी एल बी लिख रहा है, इसके बाद बोल रहा है कि सर आर्ग्यू, ए आर जी यू ई, कुछ लोग करते हैं ना आर्ग्यू, है ना, उन आर्ग्यू वालों को सोच लो, वाई पी ई एस सी, है ना, जितने साल वो पढ़ रहे हैं उतने साल से हम पढ़ा रहे हैं, तो आर्ग्यू करने की आवश्यकता है ही नहीं, है ना, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। तीसरा क्या पूछ रहा है आपसे कि डायग्राम डी आई ए जी आर ए एम, तो प्यारे बच्चों मैंने आपको कहा कि जैसे ही दो शब्द से तीसरा शब्द पूछता है तो गौर करने वाली बात यह है कि क्या इन दोनों के द्वारा ये तीसरा बना सकते हैं, तो बनाइए देखिए, ऑप्शन बी आ रहा है बहुत सारे विद्यार्थियों का, चलिए बहुत बढ़िया, हाँ जी बहुत बढ़िया भाई, देखें क्या आंसर आता है, आई वॉन्ट टू टीच चिल्ड्रन विद यू, थैंक यू सो मच विजय, है ना, श्योर यू आर मोस्ट वेलकम टू कम जयपुर। हाँ जी फटाफट देखिए बच्चों क्या होगा,
यहाँ पर क्या हो रहा है, तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ कहीं ना कहीं माइंड का जो कोड है वो आर्ग्यू के कोड से डिफरेंट है। तो एम को के लिखा है, आई को जी लिखा है, एन को एल लिखा है, डी को बी लिखा है, ठीक है। इसके बाद ए को वाई लिखा है, आर को पी लिखा है, जी को ई लिखा है, यू को एस और ई को सी लिखा है। तो उड़ाकर यहीं से लिख सकते हैं, डी का कोड क्या हुआ, डी का कोड बी, आई का कोड क्या है, आई का कोड आपका जी है, ए का कोड क्या है बच्चों, ए का कोड आपका वाई है, इसके बाद जी का कोड बात करें तो जी का कोड आपका ई है, इसके बाद आर की बात करें तो आर का कोड आपका पी है, इसके बाद ए की बात करें तो ए का कोड आपका वाई है, एम की बात करें तो एम की कोड क्या आ गया, के आ चुका है। तो बी जी वाई, बी जी वाई, ठीक है बच्चों, बी जी वाई ई पी वाई के, 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 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा सही है बच्चों, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं, हाँ जी बहुत बढ़िया बेटा कालू राणा, अब की बार में ट्राई करता हूँ कि जो पहले आंसर करें उसका नाम लेंगे। पहला तरीका तो आपका ये है, ठीक है, इसी में दिमाग लगाना है, दूसरा तरीका थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, तो हम इसी में दिमाग लगाएंगे ना कि जब दो से तीसरा बन रहा है तो क्यों कहीं और जाएंगे, उन दो से तीसरे को बना दो, अगर नहीं बनता तो हम दिमाग लगाते। मान लीजिए डायग्राम इन दोनों से नहीं बनता तो इस कंडीशन में इसको देखते, तो एम का नंबर 13, आई का नंबर 9, एन का नंबर 14, डी का नंबर 4, तो आप देखते ये 11 है, ये 7 है, ये 12 है और ये आपका 2 है। तो आप इसमें देखेंगे कि 13 में से 2 माइनस कर दें 11, 9 में से 2 माइनस कर दें 7, 14 में से 2 माइनस कर दें 12, 4 में से 2 माइनस कर दें 2, यहाँ पर भी सेम है, 1 में से 2 माइनस करोगे तो 25 कैसे आएगा, क्योंकि भैया 26 अक्षर होते हैं जेड तक, अगर एक को दोबारा गिनना चाहेंगे तो 27 लिखेंगे और 27 में से 2 माइनस करेंगे तो 25 आएगा, इधर 18 में से 2 माइनस करेंगे तो 16 आएगा, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5 आएगा, 21 में से 2 माइनस करेंगे 19 आएगा, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आएगा। कहने का तात्पर्य सभी में 2 घटाया जा रहा था, तो इसमें भी 2 घटा देते, 4 में से 2 घटाते तो आपका दूसरा, 9 में से 2 घटाते तो 7वां, 1 में से 2 यानी कि वही 27 में से 2 घटाते तो 25वां, इसके बाद जी में 7 में से 2 घटा देते तो 5, 18 में से 2 घटाते 16, और यहाँ पर 1 यानी कि 27 में से 2 घटाते तो 25, और 13 में से 2 घटाते तो कितना आता 11। सब में 2 घटाकर भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग गया, इसमें क्या लग गया बच्चों, थोड़ा सा टाइम लग गया, और ये टाइम आपको तभी लगाना है जब इन दोनों के द्वारा ये नहीं बन रहा हो। क्या कह रहा हूँ बच्चों, इन दोनों के द्वारा तीसरा नहीं बन रहा हो तो आप टाइम लगाएंगे, अन्यथा क्या करेंगे कि दोनों से बन रहा है तो दोनों को उठा कर दे देंगे, है ना, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, सभी में नहीं हो सकता बेटा, कहीं कहीं पर हो सकता है, सभी में नहीं हो सकता है ना। चलो अगले पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों तरीके आपको समझा दिए हैं, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, और जितने लोग लाइव चल रहे हैं बेटा वीडियो को लाइक करेंगे शेयर कर दीजिए, धुआंधार तरीके से लाइक और शेयर का आंकड़ा बढ़ाते रहेंगे प्यारे बच्चों, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दे देता हूं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जवाब देंगे आप कि गार्डन को 3, 2, 5, 7, 6, 4 लिखा जाता है, 32, 57, 64 लिखा जाता है, वाटर को 92, 165 लिखा जाए तो वार्डन को क्या लिखा जाएगा। चलिए बच्चों आंसर करेंगे फटाफट, है ना, जल्दी से आंसर करेंगे और आपस में बातचीत नहीं की, विवेक गुजर किसी से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप क्या दिक्कत आ रही है, बच्चों को पढ़ने दे आराम से, है ना। फॉर्म नहीं निकले महादेव की लाडली, जैसे ही फॉर्म निकलेंगे जरूर बताएंगे, राजस्थान पुलिस के फॉर्म कब से आएंगे। हाँ जी अनरियल गेमिंग जी, मैंने आपको आज दिन में जो सेशन लिया उसी में बताया है कि आपके अगर किसी भी वैकेंसी में रीजनिंग आ रही है तो आपकी ये जो क्लास है ये इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आपको किसी भी वैकेंसी में राजस्थान जी के जहां ज्योग्राफी और हिस्ट्री आ रही है तो 7 बजे वाली क्लास ज्योग्राफी की और 8 बजे वाली क्लास हिस्ट्री की, वो पर्याप्त है। किसी भी क्लास, किसी भी आपके एग्जाम में हिंदी सब्जेक्ट आती है तो उसके लिए 9 बजे वाली क्लास पर्याप्त है। किसी भी सब्जेक्ट बात करें इंग्लिश आती है तो वो आपकी 5 बजे वाली क्लास जो इससे पहले हुई वो पर्याप्त है। संस्कृत है तो वो भी 5 बजे होती है सप्ताह में 2 दिन, और अगर शिक्षण अभिवृत्ति वाली 2 दिन होती है वो भी 5 बजे होती है। चलिए आंसर करेंगे, हाँ भाई लाओ आइसक्रीम लाओ सामने ले आओ, चलिए फटाफट शेयर करो भाई धुआंधार तरीके से, ठीक है जल्दी से शेयर कर दो। हाँ जी फटाफट आंसर करेंगे, हाँ जी देखें यहाँ पर क्या है, तो देखिए बच्चों यहाँ क्या दे रखा है, जी ए आर डी ई है,
क्या दे रखा है, GARDEN गार्डन, गार्डन का दे रखा है 32 57 64। यहाँ पर दे दिया WATER वाटर, और वाटर का कोड दे दिया 92 165। दिमाग नहीं लगाना, लगाना ही नहीं है, क्यों नहीं लगाना, सिंपल सा बोल रहा है वार्डन, तो WARDEN। तो प्यारे बच्चों क्या एक बात मुझे बता दो कि क्या ये वार्डन शब्द इन दोनों को मिलाकर बना सकता हूँ, तो बना सकता हूँ, कैसे, वा इधर से ले लूँ और डन इधर से ले लूँ, ठीक है, तो वार्डन हो गया, काम मेरा बैठ जाएगा, तो दोनों से बना सकता हूँ। तो उड़ाओ देखो क्वेश्चन को, W का कोड क्या ले लो भैया, नो ले लो, W का कोड नो, A का कोड क्या लिखेंगे, बोले भाई यहाँ पर A का कोड 2 लिखा जाएगा, क्योंकि A इधर कॉमन है तो मैच कर सकते हैं। इसके बाद R का कोड 5 हो जाएगा, R का कोड 5, D का कोड क्या हो गया 7 हो गया, इसके बाद E का कोड क्या हो गया बच्चों 6, और N का कोड 4, E का 6 और N का 4, तो 92 57 64 इज द राइट कोड फॉर द वार्डन, है ना, वार्डन का कोड क्या है 92 57 64। ऑप्शन किस में मिल रहा है, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, किस में है भाई, ऑप्शन ए में है, तो ए इज द राइट आंसर, जपनाम भाई जपनाम, क्लियर है, फटाफट बताओ। हाँ जी बहुत बढ़िया, जय बबूती वाले की, बहुत बढ़िया, बावड़ी वाले की भी जय, थैंक यू, क्लियर हो चुका है, फटाफट एक बार थम्स अप कर दीजिएगा। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए आंसर कर दीजिए एक बार, चीजें समझ में आ गई तो, क्लियर हो चुका है, चलें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देने वाला हूं, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दे रहा हूं, तो देखिएगा कि किस तरीके से आपका अगला क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है कि सर क्लाउड को ऐसा लिखा जाए, रेन को ऐसा लिखा जाए, तो अराउंड का कूट संकेत क्या होगा। चलिए बच्चों ये जवाब आप देते हैं, आपको देना है, फटाफट दीजिए कि क्लाउड को ऐसा लिखा, रेन को ऐसा लिखा, तो अराउंड को क्या लिखा जाएगा, है ना, बहुत बढ़िया। बाबा लाएंगे क्रांति, बिल्कुल लाएंगे भाई, बिल्कुल लाएंगे, बाबा क्रांति लाएंगे, जयपुर वाले बाबा की जय, जय हो भाई विकेश कुमार मीना। हाँ कोमल अलवरिया जी, अगर आपको किसी अन्य टॉपिक का क्वेश्चन पूछना है, टेलीग्राम चैनल पे आप अपना मैसेज लीव कर दीजिए, डेफिनेटली आपको आंसर मिल जाएगा विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर। हाँ जी बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच हर्ष राजस्थानी, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बिल्कुल सुनील चौधरी क्या कहना चाह रहे हैं फटाफट बता दीजिए, है ना बेटा। अनु शर्मा जितने भी टॉपिक हुए हैं उसके लिए आप क्या करेंगे, आप जाएंगे सीधे कहां पर, प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट देखिए, बाबा के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, BSTC PTT रीजनिंग, है ना भाई मनीष असवाल सर, उसमें देखिए कितनी क्लासेज हो चुकी। हाँ जी, हाँ जी भाई फटाफट बताएंगे, अरे ये वाले क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा, ये सीरीज में करवाऊंगा, है ना, ये जो पूछ रहा था बच्चा सुनील था, क्या नाम था उसका, ये क्वेश्चन बेटा उसमें करवाऊंगा, सुनील चौधरी ये सीरीज वाले में करवाऊंगा, है ना, डेफिनेटली करवाऊंगा बेटा, ठीक है। चलिए यहां पर आते हैं क्लाउड, और ये क्वेश्चन करवाया हुआ है बेटा, सीरीज का क्वेश्चन करवाया चुका हूं, प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे, सीरीज का वीडियो डला हुआ है। चलो यहां पर देखते हैं CLOUD क्लाउड, क्लाउड को लिखा हुआ है 59432 59432, यहां पर हमें देखना है RAIN, रेन दे रखा है 1678, पूछा क्या है बच्चों, पूछा है AROUND अराउंड का कोड पूछ रहा है। चलिए बच्चों कोई दिक्कत नहीं, जब अराउंड का कोड पूछ रहा है तो अराउंड का कोड कैसे बताएंगे, ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहां पर A का कोड लेंगे, A का कोड कितना 6 है, तो एज इट इज लिख लीजिए, A का कोड कितना 6, R का कोड कितना है बच्चों, R का कोड है 1, तो R का कोड हो गया आपका 1, O का कोड कितना है, O का कोड हो गया आपका 4, यहाँ पर U का कोड क्या है, तो U का कोड हो गया आपका 3, इसके बाद N का कोड बात करें तो N का कोड हो गया बच्चों 8, और यहाँ पर अगर मुझे D का कोड बात करना हो तो D का कोड हो गया मेरे पास 2। तो प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं समझ में आया क्या कि 6143 82 614382 is the right answer, which is an option B. Option B is the correct answer. क्या कह रहे हैं बच्चों, सर ये क्लास PTT second year के लिए भी ले सकते हैं क्या, रे बेटा जिसमें मर्जी आए जहां पर लपेटो, क्लियर है, समझ में आ चुका है, B for बाबा, बाबा लाएंगे क्रांति और बाबा बोलते हैं जपनाम भैया, क्लियर हो चुका है, जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए, समझ में आ चुका है क्या, है ना, फटाफट देखिए स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद आगे चलेंगे अगले पॉइंट पर।
ठीक है, चीजें क्लियर होती जा रही है, फटाफट बताएंगे। प्यारा बच्चा एक क्वेश्चन पूछ रहा है मोबाइल चार्जर वाला, मेरे बच्चे मैं डेफिनेटली बताऊंगा, थोड़ा सा आगे बढ़ने दो आपको। हाँ बिल्कुल, सतीश कुमार शर्मा मेरे नाम से बुक मिल जाएगी आपको मार्केट में, और उसके लिए मैंने आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम पे शेयर कर रखी है बुक की, है ना। चलिए फटाफट आ जाओ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर मैंने पीडीएफ दे दी है रीजनिंग की, मैथ्स की भी चाहिए होगी तो मैथ्स की भी दे दूंगा क्योंकि दोनों सब्जेक्ट में ही लिखता हूँ, है ना। टेलीग्राम चैनल मनीष अस्पताल के नाम से ज्वाइन कर सकते हैं, आपका एम स्टडी का टेलीग्राम चैनल एम स्टडी के नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू। आप बताएंगे कि यहाँ पर पेन को अगर एनजेडो लिखा जाता है, बार्क को यदि सी टी एस एल लिखा जाता है, तो प्रैंक को क्या लिखा जाएगा। चलिए बच्चों फटाफट आंसर करने का समय है, जल्दी से आंसर करते जाएंगे। बाबा की जय हो भैया, सर आपकी वजह से क्लियर हो गया, टेंशन नहीं है रीजनिंग में। बाबा बरसात बरसात, हमारे बाजरा सूख रहा है, बिल्कुल बरसात बरसेगी भाई, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू ज्ञानचंद जी, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू जनक राजपुरे, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। ये टॉपिक मेरे ख्याल से अगले दो दिन में हो जाना चाहिए, है ना, अगले दो दिन में हो जाना चाहिए, बाकी तो देखते हैं कब तक होता है, मैं देखो जल्दबाजी नहीं कर सकता बच्चों, है ना। चलिए आंसर, चलिए सी आ रहा है रोहित गहलोत का सबसे पहले, फिर निशा का, ठीक है, अजय का आ रहा है ए, गौरव डी के लिए कह रहा है। आज तो मौज कर दी बाबा जी, बिल्कुल बाबा जाने रीजनिंग के अलावा, जय बाबा री। चिंटू सैनी थैंक यू बेटा, हाँ जी थैंक यू। चलिए आंसर करिए भाई, बहुत बढ़िया। हाँ जी नेट खत्म हो गया, 11 रुपए का रिचार्ज कर लो, नेट खत्म हो गया तो 11-21 जो भी रिचार्ज होता है ना, 11-21 का तो प्रसाद लेना ही पड़ेगा बाबा के नाम का, तो लीजिए आप प्रसाद और आनंद लीजिए। हाँ जी देखिए भाई, पीई एन पेन को लिख रहा है क्या, एन जेड ओ लिख रहा है, ठीक है साहब, लिख रहा होगा यहाँ पर बी ए आर के, बार्क को लिख रहा है टी टी एस एल, टी टी एस एल लिख रहा है, और आपसे पूछा है कि साहब पी आर ए एन के, पी आर ए एन के प्रैंक को क्या लिखा जाएगा। चलिए भाई यहाँ पर देखते हैं, पी का कोड एन, पी का कोड क्या है एन, तो पी का कोड हो गया बच्चों एन, आर का कोड आपका क्या हो गया, आर का हो गया एस, तो आर का कोड एस, ए का कोड आपका क्या है बच्चों, ए का कोड है टी, यहाँ पर ए का कोड टी, एन के कोड की बात करें तो एन का कोड आपका हो गया ओ, इसके बाद के कोड की बात करें तो के का कोड हो गया आपका एल, तो एन एस टी ओ एल, एन एस टी ओ एल, एन एस टी ओ एल इन ऑप्शन सी, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर विच इज इन ऑप्शन सी, एन एस टी ओ एल, तो एन एस टी ओ एल आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, फिर आगे चलेंगे अपन अगली क्लास में। तो आपके लिए यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ पहला जो ऐसा क्वेश्चन जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो क्वेश्चन आपका फूफा जी का, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फूफा जी वाला क्वेश्चन आएगा जिसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए फटाफट भैया, बाबा का टाइम हो चुका है तो बाबा आश्रम लौटेंगे, और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन जिसका जवाब मुझे आप देंगे कहाँ, कमेंट सेक्शन में, ये है आपका फूफा जी वाला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है फूफा जी, क्यों है बेटा इसका क्वेश्चन फूफा जी वाला, देखो फूफा जी वाला क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसका जवाब लाइव चैट में नहीं देना, क्योंकि किसकी कसम है, फूफा जी कसम है, फूफा जी बुआ जी को नहीं लेके जाएंगे, फूफा जी कसम है, इसका जवाब आप मुझे लाइव चैट में ना देकर कमेंट सेक्शन के माध्यम से देंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में क्योंकि समय हो चुका है अपना, और इस समय आपकी क्लास आने वाली है राजस्थान ज्योग्राफी की, लेकर कौन लेकर आ रहे हैं साहब, आर एस गुजर साहब, तो गुजर साहब की क्लास में जाइएगा और फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे। जिसने अभी तक इस क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है फटाफट वो काम कर दीजिए, क्लास अच्छी लगी है लाइक करेंगे, और नहीं लगी है तो डिसलाइक करेंगे, लेकिन मामला दोनों का करना है, लाइक या डिसलाइक काम आपका ऊपर है, ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, ठीक है, हंसते रहे मुस्कुराते रहे और अपनी तैयारी को धार देते रहे, मुलाकात रोज होती रहेगी, तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे विदा, नमस्कार, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों, थैंक यू सो मच।